Zoom इस्कोटेको, Zoom इस्कोटेको। अगर आप सोचते हैं कि सुष्मिता सेन की जिंदगी से प्यार गायब हो चुका है तो जरा ठहरिए, क्योंकि सुष्मिता को आज भी हो रहा है प्यार का एहसास। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद सुष्मिता ने हमें बताया हाल ही में एक मुलाकात के दौरान। तो आखिर क्यों हुआ उन्हें प्यार का एहसास, देखिए हमारी अगली स्टोरी में। सुष्मिता तो उसी एहसास के साथ जीती है, सुष्मिता तो उसी एहसास के साथ जीती है। प्यारी जाने कैसा है, क्या कहे, ये कुछ ऐसा है, कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है। सुष्मिता को अब भी प्यार का एहसास होता है? प्यार के दर्द और खुशियों को अब खूब समझने लगी है सुष्मिता सेन। कई बार मोहब्बत की मरीज बनी है सुष्मिता, और कई बार इनकी दीवानगी ने तबाह किए हैं लाखों दिल। तभी तो सुष्मिता प्यार के हर रंग से वाकिफ हैं। जी हाँ, लगभग गुमशुदा हुई सुष्मिता से हमारा सामना हुआ एहसास प्यार का के म्यूजिक लॉन्च पर। और इस एल्बम के नाम की ही तरह जब सुष्मिता से पूछा कि क्या सुष्मिता को उम्र के इस पड़ाव पर अब भी हो रहा है प्यार का एहसास, तो सुनिए सुष्मिता का ये जवाब। सुष्मिता तो उसी एहसास के साथ जीती है, सुष्मिता तो उसी एहसास के साथ जीती है। बोला आने सच कहा सुष्मिता। आखिर आपकी फिल्म से ज्यादा आपके अफेयर ही तो चर्चा में रहे हैं, फिर वो चाहे विक्रम भट्ट के साथ हो, रणदीप हुड्डा के साथ हो, या फिर आपके रीसेंट डायरेक्टर मुदस्सर अजीज के साथ हो, हर राह हर मोड़ पर बस प्यार से टकराती रही आप। तभी तो प्यार के एहसास को इतनी ऑनेस्टी से कबूल करती हैं। सुष्मिता तो उसी एहसास के साथ जीती है, सुष्मिता तो उसी एहसास के साथ जीती है। चलिए, शुश को रियल लाइफ में प्यार का एहसास तो कई बार हुआ, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस एल्बम और सिंगर के लिए भी सुष्मिता का प्यार उमड़ आया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुश का इस एल्बम से कोई लेना देना नहीं। अगर सूत्रों की माने तो सुष्मिता को यहाँ खींच लाया है 5 लाख रुपयों का प्यार का एहसास। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुष्मिता जैसी फेमस हस्ती महज 5 लाख में ही क्यों पहुंची किसी इनॉग्रेशन पर, वो भी झूठ बोलकर। जी हाँ, सुष्मिता से जब हमने यहाँ आने की वजह पूछी तो उन्होंने इसे बॉन्ग कनेक्शन का चोला पहना दिया। सबसे ज्यादा खास वजह तो ये है कि जब भी कोई भी यंग आर्टिस्ट, स्पेशली वो जो बंगाल से है और जो कि हमारे सिटी से है, जेनिवा रॉय की आवाज़ मैंने पहले भी सुनी हुई थी, लेकिन इस बार उनके एल्बम में बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं। एंड व्हेन शी आस्क्ड मी टू कम एंड इनॉग्रेट इट फॉर हर, आई कुडंट रिफ्यूज। अब क्या सच है क्या झूठ, इसका एहसास तो सिर्फ सुष्मिता को ही है। वैसे इस इवेंट पर हमारी नजर सुष्मिता की उस अंगूठी से चाह कर भी ना हटी, जिसे वो कई सालों से उस उंगली पर पहनती आई है, जहाँ अक्सर पहनी जाती है एंगेजमेंट रिंग। ये किसकी निशानी है ये भी सुष्मिता ही जाने, मगर इस अंगूठी को देख हमें तो यकीन हो गया कि आज भी सिंगल स्टेटस रखने वाली सुष्मिता अपनी यादों को संजो कर रखती हैं, जो उन्हें वक्त वक्त पर दिलाता है प्यार का एहसास। क्या आप एहसास कर रहे हैं? सुष्मिता तो उसी एहसास के साथ जीती है, सुष्मिता तो उसी एहसास के साथ जीती है। प्यारी कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।